मध्य प्रदेश में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी आई है। एमपी में रिकवरी रेट की बात की जाए तो भोपाल में कोरोना मरीजों की रिकवरी में तेजी आई है। इंदौर में 626 और भोपाल में 646 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 179, उज्जैन में 164, रतलाम में 105 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ग्वालियर में 105, खरगोन में 143 तो शाजापुर में 49 नए जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज किया गया। अलीराजपुर में 37, मंदसौर में 36 तो नीमच में 59 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। देवास में 23, पन्ना में 18 और छतरपुर में 28 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वहीं बात की जाए होशंगाबाद की तो होशंगाबाद में भी 12 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। ग्वालियर से खबर, जहां 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुलने वाले हैं। भीड़ होने पर इंसिडेंट कमांडेंट द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इंसिडेंट कमांडेंट कोरोना कर्फ्यू लगा सकते हैं। 700 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। साथ ही 60 घंटे का लॉकडाउन आज खत्म होने वाला है, जिसके बाद लोग बाजारों में जा सकते हैं और प्रमुख बाजारों पर पुलिस प्रशासन की निगरानी रहेगी। तो 60 घंटे के बाद लॉकडाउन खुलने वाला है, जिसके बाद आज से ग्वालियर के बाजार खुलेंगे और भीड़ होने पर इंसिडेंट कमांडेंट कोरोना कर्फ्यू लगा सकते हैं। 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो लगातार निगरानी रखेंगे प्रमुख बाजारों पर, और पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद रहेगा ताकि भीड़ ना उमड़े और भीड़ ज्यादा होने पर तुरंत कोरोना कर्फ्यू लगाया जा सके। तो ग्वालियर में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आज प्रमुख बाजारों पर पुलिस प्रशासन निगरानी रखेगा और भीड़ नियंत्रित करने के लिए इंसिडेंट कमांडेंट कोरोना कर्फ्यू भी लगा